एसपी पुनीत गहलोत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंधवा शहर थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी होने के पूर्व ही बड़ी कार्रवाई कर 12 अवैध हथियार सहित फरार आरोपी को कस्टडी में लेकर कार्रवाई का खुलासा किया गया। दरअसल एसपी पुनीत गहलोत द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में अवैध हथियारों सहित आरोपी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर खुलासा किया गया। एसपी द्वारा खुलासा कर बताया, सेंधवा एसडीओपी टीआई द्वारा अवैध हथियारों की खेप बेचे जाने की सूचना पर एक आरोपी सावन सिंह चिगलीकर को गिरफ्तार कर उससे 12 अवैध हथियार, 3 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने की सामग्री जब्त की गई। वहीं एसपी ने बताया, एक माह में अवैध हथियारों की विरुद्ध तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। तीनों कार्रवाई में करीब 40 अवैध हथियार सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि प्रदेश स्तर पर माफिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़वानी पुलिस के द्वारा विशेष तौर पर अवैध हथियारों के निर्माण और उनके खरीद फरोख्त में संलग्न लोगों को लगातार अपने दायरे में लिया जा रहा है। विगत दिनों में 6 मई और 12 मई को बड़वानी पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों के गिरोह के विरुद्ध 2 बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें हमने कुल 28 अवैध हथियार और 10 सिकलीगर समुदाय से जुड़े और अवैध हथियारों के निर्माण में संलग्न लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जो 12 मई की कार्रवाई थी उसमें कुल 4 आरोपी थे और उनमें से एक आरोपी सावन सिकलीगर फरार हुआ था। तो 12 मई से बड़वानी पुलिस की टीम्स सावन सिकलीगर की तलाश में थी। इसके विरुद्ध हमने 2000 का रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया था और एडिशनल एसपी बड़वानी श्री प्रजापति के नेतृत्व में सेंधवा एसडीओपी और सेंधवा सिटी टीआई की टीम्स लगातार उसकी सर्चिंग में थी। कल हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि फिर से सावन सिकलीगर जो है एक अवैध हथियार की डील करने के लिए निकला है, जिस पर एसडीओपी सेंधवा कमल चौहान और सेंधवा सिटी टीआई राजेश यादव के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया और मुखबिर की सूचना सही पाई गई और सावन को सेंधवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से उसे 12 अवैध हथियार फिर से मिले हैं। तो इस प्रकार से बड़वानी पुलिस ने विगत 18 दिनों के भीतर अवैध हथियारों के विरुद्ध ये तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल अभी तक 40 अवैध हथियार जब्त किए हैं और ये 11वां सिकलीगर समुदाय से जुड़ा व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इससे जो आगे की पूछताछ की गई है उसमें इसने अगले व्यक्ति का नाम बताया है, अजीत सिंह सिकलीगर, जिसको ये हथियारों की जो डील उन दोनों के बीच में होने वाली थी। अजीत सिंह सिकलीगर के विरुद्ध भी आज रिवॉर्ड डिक्लेयर किया जा रहा है और जल्द से जल्द उसको भी पुलिस के द्वारा पकड़कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।